जय हिंद सभी को। सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। देखिए इससे पहले मैंने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्दी जल्दी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर कराऊं और कंटिन्यू जो है वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, बहुत मतलब तबीयत खराब होने की वजह से बीच में जो है वीडियोज अपलोड नहीं कर पाया था मैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब सारी चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, रेगुलर जो है वीडियोज अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी ओर से। ठीक है, तो आप लोग बस सेवन क्लास को अपना प्यार देते रहें और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लें, क्योंकि क्या होगा इससे आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक इतना प्यार दिया है उनको दिल से थैंक यू, और आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी थैंक यू और वो अपना प्यार देते रहे। ठीक है ना, चलिए आज का जो चैप्टर हमारा चैप्टर 5 है, इसी तरीके से टोटल 35 चैप्टर होंगे। यानी कि ये चैप्टर करवाने के बाद 30 चैप्टर और बचेंगे, वो आपका जल्दी जल्दी मैं 30 से 35 दिनों में मैं वो भी सारी चीज़ें कवर करा दूंगा आप लोगों का। ठीक है ना, और सारा ये समझिए कि सोशियोलॉजी का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री का पूरा करवा चुका हूँ, पॉलिटिकल का पूरा करवा चुका हूँ। जिन बच्चों को PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर तुरंत जो है PDF वगैरह ले सकते हैं। आगे बस उनमें चलिए, तो आज का जो चैप्टर है टोटल इसमें 10 क्वेश्चन निकले हैं वो हम लोग करेंगे। इसमें समाज, समुदाय, संघ और संस्था के बारे में जानने वाले हैं बढ़िया तरीके से। आगे बस उनमें तो ये चीज़ आप लोग याद रखें और इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू जो है बढ़िया तरीके से अब रखेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 5 का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, अगर आपको इससे पहले 4 वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि हाँ आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, क्या कमी है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, उसको उसके ऊपर मैं ध्यान देकर उसको और सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो है यहाँ पे समाजशास्त्रीय संदर्भ में समाज से क्या तात्पर्य है, यानी कि सबसे पहले तो देखिए पूरे चैप्टर में समाज ही है, समुदाय है, संघ है और संस्था है। जैसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान सुनना आप लोग, जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज वैसे वैसे क्या होगा, चैप्टर इजी होते चले जाएंगे। ये शुरुआती चैप्टर थे, थोड़े बहुत हार्ड थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते ना हम इजी चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, देखिए तो समाजशास्त्रीय संदर्भ में समाज से क्या तात्पर्य है, तो समाज से क्या मतलब बनता है, समाज क्या होता है, वो सारी चीज़ आप लोग देखिए। देखिए इस चैप्टर की PDF की तो आप लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के सामने आंसर आपको सब कुछ दिखाता हूँ मैं, जो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ आप लोग के सामने रखता हूँ किस तरीके से समझना है क्या है क्या नहीं है, आप लोग बढ़िया तरीके वीडियो में ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है ना, ये सबसे पहला जो आप लोग को आंसर दिख रहा होगा इसमें क्या बोला गया है, समाजशास्त्रीय संदर्भ में समाज से क्या तात्पर्य है। देखिए आप लोग को ये भी पता होगा कि समाज होता क्या है, समाज का मतलब क्या है कि एक तरीके से लोगों का जो पूरा एक समूह है ना, जो किसी विशेष आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उनको हम समाज बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए तो आंसर क्या है आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, समाजशास्त्रीय संदर्भ में समाज को सामाजिक संबंधों के प्रतिरूप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो हमारे जो इसके सदस्यों की पारंपरिक या बोल सकते हैं पारस्परिक अंतरक्रियाओं से बनता है। यानी कि समाज किससे बनता है, लोगों की आपसी आवश्यकताओं की वजह से, क्योंकि हर कोई क्या है एक ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी उद्देश्य के कारण। आगे बात समझ में, ये आप लोग को जो है याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि बेसिक आपका क्या है इस चैप्टर के अंदर, समाज, समाज से ही समुदाय बनेगा, समुदाय संघ संस्था क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, देखिए समाजशास्त्रीय संदर्भ में समाज को सामाजिक संबंधों के प्रतिरूप के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि समाज क्या है कि एक लोगों का समूह होगा, ठीक है, जो क्या करता है, जो इसके सदस्यों की पारस्परिक अंतरक्रियाओं से बनता है। यानी कि सदस्यों की आपसी निजी जो समस्याएं हैं, जो लोगों की बातें हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होती हैं, उनसे क्या बनता है, लोगों का आपसी संबंध मजबूत होता है, उसी को हमने समाज का नाम दिया है। आगे बस समझ में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नई नई चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। ठीक है ना, चलिए जाइए महाराज जी, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर बड़े क्वेश्चन पे ऐसे ही पहुँचेंगे हम। उसके बाद क्या है समाज के, देखिए इतने क्वेश्चन जब आप लोग कर लेंगे चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके समझ के सुन के, जब आप लोग को क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप एग्जाम के अंदर कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रख लेनी है। ठीक है, देखिए तो समाज के 3 लक्षणों की सूची दीजिए। समाज के लक्षण क्या है, समाज में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को बतानी है। तो देखिए जरा क्या है इसका आंसर, समाज के जो 3 लक्षण हैं वो क्या होंगे, देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर आंसर देखिए।
कि समाज शास्त्रियों के अनुसार प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार के हैं। जैसे समाज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो पहले चीज है समानता और विभेदीकरण। यानी कि देखिए, समानता भी देखने को मिलता है और विभेदीकरण भी देखने को मिलता है। यानी कि समानता एकजुटता देखने को मिलती है, और विभेदीकरण मतलब एक दूसरे में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा भेद भी देखने को मिलता है समाज के अंदर। आप लोग खुद समाज में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, हम लोग एकजुट भी हैं, कई बार क्या होता है लड़ाइयाँ भी होती हैं आपस में, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी अंतर्निर्भरता। समाज के अंदर हम लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आश्रित भी हैं। क्यों आश्रित हैं? कि एक व्यक्ति हर काम तो नहीं कर सकता, उसको क्या है, किसी दूसरे की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है अंतर क्रियाओं मतलब अंतर निर्भरता जो है जरूरत पड़ेगी। ये हो गया पहला बताया तो मैंने, समानता और विभेदीकरण देखने को मिलेगा, समाज के लक्षण हैं कि हाँ ये समाज है। तो पहला समानता और विभेदीकरण है, दूसरा एक दूसरे पर आश्रित होना, ये चीज। उसके बाद है सहयोग तथा संघर्ष, सहयोग और क्या होना, संघर्ष। सहयोग भी देखने को मिलता है, लोग एक दूसरे के सहयोग भी करते हैं और एक दूसरे के साथ संघर्ष भी करने में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है और मस्त तरीके से जो है पढ़ते जाओ, ठीक है। देखिए तो ये चीजें हैं, चलिए भागिए यहां से। अब ये चीज हमें याद रखना है, इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, पहले तो वो जानिए। देखिए विभेदीकरण भी पढ़ेंगे हम, तो समाज में तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाज में विभेदीकरण क्यों आवश्यक है, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में। बहुत तरीके से पढ़ लोगे जब आप लोग, बढ़िया तरीके से सुन लोगे ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग अपने एग्जाम के अंदर जो है बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। आगे बात समझ में, ये याद रखिएगा। देखिए तो समाज में विभेदीकरण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है समाज के अंदर थोड़ा मोड़ा भेद करना, थोड़ा मोड़ा ये नहीं कि सबके साथ बंटवारा कर दो, मतलब भेदभाव करना शुरू कर दो, नहीं। विभेदीकरण क्यों जरूरी है समाज के अंदर थोड़ा मोड़ा, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा क्या बोला गया। देखिए तो यहाँ पे है कि समाज के सदस्य एक दूसरे से, ध्यान से देखिए, समाज के सदस्य एक दूसरे से जाति वर्ग पेशा और शिक्षा आदि से परस्पर भिन्न होते हैं। देखिए हर कोई समाज के अंदर बराबर तो नहीं है, कहीं ना कहीं जातिगत भी लोग अलग हैं, वर्ग के हिसाब से, पेशे के हिसाब से यानी उनके काम के हिसाब से, और शिक्षा के हिसाब से, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़े लिखा है। अगली बार समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद तो परिवार में भी सभी सदस्य एक दूसरे से लिंग आयु व्यक्तित्व दृष्टिकोण और व्यक्तिगत पसंद में अलग होते हैं। यानी हर कोई क्या है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से दृष्टिकोण के तौर पर हर कोई कहीं ना कहीं आयु लिंग के हिसाब से भी अलग अलग देखने को मिलते हैं हमें, ये चीज। तो विभेदीकरण तो हो रहा है ना कहीं लोग अलग तो नजर आ रहे हैं एक दूसरे से, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद क्या बोला गया है कि अंतर एक दूसरे को इस तरह से जोड़ते हैं कि परिवार में स्थिरता बनी रहती है। इतना सारा विभेदीकरण होने के बावजूद भी सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, आगे बस उनमें, तो ये चीज है। इसी प्रकार बड़े वृहत समाज में विभेद समानता के अधीन होते हैं, जो सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। तो ये क्या है, सामाजिक जो है इसमें सद्भाव बनाए रखने के लिए सब कुछ होगा समाज के अंदर। चलिए पहले तो आप जाइए, सब कुछ होगा समाज के अंदर, भेदभाव भी होगा, विभेदीकरण भी है, लेकिन लोग एकजुट हैं, लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे इतने भेद होने के बावजूद। इसी को तो विभेदीकरण और हमारा भारत देश कहा जाता है। यही देश है जिसमें जो है आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी समानताएं भी हैं, आगे बस उनमें। तो ये है हमारा भारत देश, पूरे विश्व में सर्वोत्तम देश भारत हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमें कभी कोई जातिगत भेदभाव, कोई लिंग आयु नस्ल रंग रूप इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको बराबर समझदारी के साथ समझ जो है उनको ध्यान में रखना चाहिए, आगे बस उनमें। तो कोई भेदभाव नहीं करना, ठीक है, गलत बात होती है। तो विभेदीकरण क्यों आवश्यक है, तो देखिए थोड़ा मोड़ा विभेदीकरण भी जरूरी है, क्योंकि सब लोग समान तो नहीं होते। आंसर आपको इस तरीके से बना के लिखना है, जब समझ जाओगे तो क्लियर लिख भी दोगे एग्जाम के अंदर, आगे बात समझ में, नाचते रहो बस, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, समाज की दो परिभाषाएं दीजिए। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा समाज की अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई हैं। अभी तो सिर्फ समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर समुदाय आएगा, संस्था आएगी, है ना, उसके बाद जो है अलग अलग चीजें संघ वगैरह के बारे में भी हम इसमें जानेंगे, ठीक है ना। देखिए
तो कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है, समाज की दो परिभाषाएं दीजिए। समाज की दो परिभाषाएं, देखिए अलग अलग प्रकार से व्यक्तियों द्वारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो गिडिंस के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर आबद्ध हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या है। देखिए समाज क्या है, समाज स्वयं एक संघ है, यानी कि एक बहुत लोगों का समूह बना हुआ है, संघ बना हुआ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक योग है, यानी सब लोग फॉर्मल तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनफॉर्मल तरीके से जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर आबद्ध हैं, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं, संघर्ष भी करते रहते हैं। तो यही तो है। देखिए हमारे परिवार में कुछ चुलबुले लोग होते हैं, कुछ सीरियस लोग होते हैं, कुछ काम के प्रति एकाग्र होते हैं, कुछ लापरवाह भी होते हैं, है ना, ये तो सब जानते ही हैं। तो सिंपल सी बात है, समाज के अंदर कुछ मतलब वही वैसी समाज है, परिवारों से बना हुआ ही समाज है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे परिवार के अंदर एक एक मेंबर पर देखते हैं, वैसे समाज के अंदर अलग अलग परिवारों को देखा जाता है, तभी तो समाज बनता है ना। तो पूर्ण रूप से कोई भी समाज एक जैसा नहीं होता, सब अलग 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 कहीं ना कहीं विभेद देखने को जरूर ही मिल जाता है। आप लोग को बस दिमाग में बैठाना है और समझ समझ के लिखना है, जो समझ के लिख लिया वो गारंटी है, वो झिंगा लाला तो बन ही जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए दूसरी बात ये है, जिन्सबर्ग क्या कहते हैं, इनके अनुसार समाज जो है मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल का क्या मतलब होता है, पूरा एक जाल बना हुआ है लोगों के समूह का, संबंध का, हर तरीके का एक समाज जो है हमारा जाल कहलाता है, सब लोग बंधे हुए हैं इससे। देखिए इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बना बना के कहीं ना कहीं से बुद्धि में जब बैठ गया है ना, तो आप बढ़िया तरीके से लिख देंगे। रटी हुई चीजें कभी काम नहीं आती, याद रखिएगा, जो बातों को सुन लेगा वो हीरो हीरोइन बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब आ जाता है उसी में तीसरा, एडम स्मिथ क्या कहते हैं, मानव समाज के पारस्परिक संबंधों में मितव्यता के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है, यानी कि एक जो यहाँ पे बाहरी जुड़ाव, लोगों का भले दिखावटी जुड़ाव क्यों ना हो लेकिन जुड़े तो है ना लोग एक दूसरे से, आगे बस समझो, कहीं ना कहीं आपके गली मोहल्ले के लोग होंगे, देखा होगा मिल बांट कर जो है देख रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हाँ लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन मिलजुल कर भी तो रहते हैं ना, तो यही तो है समाज, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बनाना चाहिए। तो मानव समाज के पारस्परिक जो है संबंधों में मितव्यता जो है के कृत्रिम उपाय का नाम समाज है, यानी कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है समाज के अंदर रहते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ये चीज आप लोगों को बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद महाराज जाइए अब यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए, देख लिया आंसर को, फिर तो देखना हीरो हीरोइन बन जाओगे, मजा आ जाएगा, इतना धांसू पढ़ेंगे, ठीक है ना, मजबूती से पढ़ो। आगे देखिए उसके बाद क्या है कि समुदाय की दो पारस्परिक परिभाषाएं दीजिए। अब आ जाएगा समुदाय, अभी तो हमने समाज के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा समुदाय भी देख लेते हैं, समुदाय क्या होता है। देखिए जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग कि समुदाय किसे कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए जरा, तो समुदाय क्या है, तो आग बर्न एवं निम काफ एक मिश्रित एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। याद रखिएगा, एक सीमित क्षेत्र के अंदर एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है, यानी लोग जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ना एक निश्चित क्षेत्र में। समाज क्या है, बहुत बड़े लेवल तक फैल सकता है, आगे बात समझ में, ये जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ये ऐसे ऐसे हो गए। समुदाय क्या है, समुदाय एक निश्चित प्रॉपर्टी पर रहता है, उसके अंदर रह रहा है, जैसे एक सीमित क्षेत्र, सीमित मतलब होता है एक लिमिटेड, असीमित होता है अनलिमिटेड, तो सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। दूसरे व्यक्ति क्या बोलते हैं, जिन्सबर्ग क्या कहते हैं, समुदाय से एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के एक समूह का बोध होता है, जिसमें सब प्रकार के असीमित विभिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं जो उस सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या उसका निर्माण करते हैं। यानी कि तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए आप एक निश्चित या सीमित क्षेत्र में रह रहे हैं, उस सीमित क्षेत्र में रहते हुए आप किसी खास उद्देश्य के साथ रह रहे हो,
समाज क्या है, किसी खास उद्देश्य से समाज नहीं बना हुआ है, लेकिन समुदाय जो बना हुआ है वो निश्चित प्रॉपर्टी पर लोगों द्वारा बनाया गया है, और वो क्या करते हैं कि किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि हम ये काम पूरा करेंगे, तो ये हमारा समुदाय है भाई, ये हमारा समुदाय है, ये उनका समुदाय है। तो अलग 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 प्रॉपर्टीज पर बसे हुए कुछ समूहों को, उनके एक संगठन को समुदाय नाम दिया गया, जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। आगे की बात समझ में, देखिए किताब के अंदर बहुत टफ लैंग्वेज दे रखी है, सोशियोलॉजी में तो खासकर टफ लैंग्वेज दे रखी है, एनआईएस वालों में कोई दिक्कत नहीं है, इजी बनाकर आप लोगों को बताऊंगा मैं, बस समझना है, ठीक है ना। तो समुदाय पता चल गया आप लोग को, चलिए भाग यहाँ से। तो समुदाय जो है जब पता चल जाएगा तो उसके बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे बना लेंगे। देखिए जरा, उसी में मैं एक छोटा सा और आंसर आप लोगों को बता देता हूं जो आपको बहुत इजी लगेगा। समुदाय, देखिए वो तो चला गया है आंसर, एक दूसरा आंसर आप लोगों को देख लेना है यहाँ पे कि समुदाय के पांच लक्षणों की सूची दीजिए, ठीक है। पांच लक्षण, देखिए अभी तो हमने समाज के पांच कुछ लक्षण देखे थे, वैसे यहाँ पे समुदाय जो है वो समुदाय कैसे रहता है, क्या है क्या नहीं, वो देखिए जरा। समुदाय व्यक्तियों का समूह या समुच्चय है, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। दूसरी बात, ये व्यक्ति एक ही क्षेत्र में क्षेत्र से संबंधित होते हैं, यानी इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक ही क्षेत्र से संबंधित होंगे, समुदाय के लोग हैं ये, जैसे कबीलाई समुदाय के लोग देखे होंगे, एक कबीला होता है अलग, फिर बहुत दूर जाके कबीला बना होता है, ये समुदाय होता है इन लोग का। आगे बस उनमें निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तीसरा है, समुदाय के सदस्यों में गहन सामुदायिक भावना होती है, अपने समुदाय के प्रति, समाज के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन समुदाय में नहीं, समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ सकता है लेकिन अपने समुदाय पर वर्चस्व जमा के रखेगा, नियंत्रण, एक मुखिया होगा उसका। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे देखे होंगे जो कबीले में रहते हैं, ऐसे लोगों को। तो समानता का भाव तथा अपनत्व की भावना होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं समुदाय के लोग, समाज के लोग लड़ जाते हैं लेकिन समुदाय के लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। समुदाय की रचना लोगों के दीर्घकाल तक एक साथ रहने के कारण होती है, यानी कि समुदाय के लोग क्यों रहते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि लंबे टाइम तक, दीर्घकालीन तक एक दूसरे के साथ रह सकें। आगे बस उनमें, ठीक है, जिंगल अला कर देंगे अब तो हम। देखिए, समुदाय उस समूह की अपेक्षा जो किसी उद्देश्य से रहित होता है अधिक स्थायी या सहिष्णु होता है, यानी कि ये परमानेंट यानी फिक्स होता है ज़्यादातर, समाज फिक्स नहीं हो पाता जल्दी, टूट जाते हैं, लेकिन समुदाय जो है हिस्सा बन जाओगे तो बहुत लंबे टाइम तक जो है इसका हिस्सा रहोगे आप लोग। उसके बाद है, समुदाय वृहत्तर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, यानी बड़े बड़े चीज़ों को प्राप्त करने के लिए समुदाय बनाए जाते हैं। उसके बाद है, एक समुदाय साधारणतया एक विशिष्ट नाम से जुड़ा हुआ होता है, यानी किसी ना किसी अलग अलग नाम से जो है समुदाय बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए महाराज जाइए यहाँ से। तो इस समुदाय के बारे में हमने यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो है जान लिया है, कोई दिक्कत, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है ना। देखिए अब आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट चीज कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। छठा क्वेश्चन देखते हैं अब कि समाज का एक उदाहरण दीजिए, गाना हो रहा है ना, उदाहरण दीजिए, तथा इसकी पूर्वापेक्षाओं को 100 से 200 शब्दों में समझाइए। समाज का एक उदाहरण देना है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये कि समाज क्या है, इसका उदाहरण किस प्रकार से देना है। देखिए जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसको क्या बता रखा है, देखिए जरा। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, क्या है समाज का सामान्य अर्थ क्या है। तो समाज का तो अर्थ हम लोग इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं ना, लेकिन फिर एक बार छोटी सी बात जान लेते हैं भाई, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए, समाज शब्द का उपयोग दैनिक जीवन में एक विशेष अर्थ में होता है। सामान्य व्यक्ति समाज की परिभाषा व्यक्तियों के समूह या जमावड़े के रूप में करता है। जहां व्यक्तियों का बहुत बड़ा समूह है, जहां व्यक्तियों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, उसको समाज नाम दे दिया जाता है। आगे वर्षण में ये चीज है, ठीक है। समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ, लेकिन समाजशास्त्रियों ने क्या अर्थ दिया है, तो क्या बोला है देखिए जरा कि समाजशास्त्र के अनुसार समाज व्यक्तियों का केवल समूह या जमावड़ा ना होकर उनके मध्य विभिन्न प्रकार के संबंधों का योग है। कैसा भी संबंध हो, लेकिन ये योग तो दिखा रहा है ना, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। उसके बाद, आम आदमी समाज को एक मूर्त या साकार वस्तु मानता है, जबकि समाजशास्त्र में इसे अमूर्त वस्तु माना गया है। और समाज एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में महसूस तो कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। समाज को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारा समाज है, ये उनका समाज है। आगे बस समझ में, ये चीज याद रखना है, ठीक है। देखिए,
तो यह तो हमने जान लिया समाजशास्त्र का अर्थ। तो समाजशास्त्र समाज की कुछ विशेषताएं जरा देख लेते हैं हम, इसी में कुछ विशेषताएं देखते हैं जरा इनमें कि समाज की विशेषताएं क्या है। तो पहला आप लोग देख सकते हैं समानता। समाज के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? समानता देखने को मिलती है। तो समाज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? समानता। जैसे समाज के निर्माण के लिए ऐसे व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है जिनसे कोई समानता हो, और कोई भी समाज उस समय तक अस्तित्व में नहीं आ सकता जब तक इसके सदस्य यह महसूस ना करें कि वे एक दूसरे के समान हैं। यानी आप किसी एक समाज का सदस्य तब तक नहीं बन सकते जब तक उस समाज के लोग ये ना बोल दें कि हाँ ये हमारे समाज में शामिल होने लायक हैं। आगे बात समझ में? ये चीज हमें याद रखना है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते जाओ और मस्त तरीके से बनते जाओ। ठीक है, देखिए जरा ध्यान सुनिए। उसके बाद क्या बोला गया है? तो ये चीज है, एक ही परिवार या कुटुंब, कुटुंब मतलब खानदान होता है, कुटुंब के सदस्यों किसी गांव या छोटे कस्बे में रहने वालों और एक ही जाति के सदस्यों में इस प्रकार की समानता की भावना होती है। यानी एक ही जाति, एक ही गांव में रहने वाले, एक ही टोले में रहने वाले, एक ही परिवार में रहने वाले लोग ज़्यादातर समाज का निर्माण कर लेते हैं, अलग अलग समाज बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी समाज का व्यक्ति अगर उस समाज में आता है तो कंफर्टेबल महसूस करता है, किसी और समाज का आ जाएगा तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाता है। तो पहला तो है समानता, समानता देखने को मिलती है। दूसरा क्या है? एक दूसरे पर निर्भरता। अगर आप समाज के सदस्य बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें जो है एक दूसरे पर निर्भरता देखने को मिल जाएगी आपको। जैसे हम क्या है, जिस भी समाज में रहते हैं वहाँ हम लोग निर्भर हैं, कुछ व्यक्ति इस पर निर्भर है तो कुछ व्यक्ति उस पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं निर्भरता भी देखने को आपको इसके अंदर मिल जाती है। आगे बस समझ में? ठीक है, निर्भरता हो गया। उसके बाद आता है सहयोग, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं लोग। देखिए बहुत इजी है, इसलिए मैं पूरा तो पढ़ के नहीं बता रहा, लेकिन आप लोग के सामने आंसर है, जो मैं बताऊंगा वही चीज है उसके अंदर। तो ये चीज आप लोग को समझना है, बना बना के किस तरीके से आपको आंसर में लिखना है। आगे बात समझ में? चलिए उसके बाद है सहयोग, कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना। ठीक है, उसके बाद संघर्ष, संघर्ष भी मैंने पढ़ाया था। तो संघर्ष का मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं बहुत से लोग एक दूसरे के साथ संघर्ष भी करते रहते हैं उस समाज में रहने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर बनेगा, आंसर में रह जाइए यहाँ से। ये जब आप लोग को समझ में आ जाएगा ना तो बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हैं आंसर। देखिए उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है, देखिए बहुत ईजी है, बस किताब में क्या है लैंग्वेज टफ दे रखी है, लेकिन जब आप लोग इजी लैंग्वेज में समझ जाएंगे ना तो फिर तो हीरो हीरोइन बना सकते हो किसी को भी आप लोग, तरीके से मस्त तरीके से, है ना। देखिए उसके बाद क्या है, समाज तथा समुदाय के मध्य अंतर। ये अंतर वाला क्वेश्चन समझना आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी तो हमने समाज जाना था, समुदाय क्या है, समाज क्या है, दोनों के बीच में जब अंतर कर लेंगे ना तो दोनों चीज़ एक साथ क्लियर हो जाएगी। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो समाज तथा समुदाय के मध्य अंतर निम्न प्रकार का है, समाज में लोगों के मध्य स्थापित प्रत्येक संबंध सम्मिलित होता है, ये संबंध क्षेत्रीय सीमाओं से परे होते हैं। यानी कि इसमें कोई सीमित समय वो नहीं होता समाज के अंदर। मैंने बताया था समुदाय के अंदर एक सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन समाज के अंदर नहीं, समाज बड़े स्तर पर भी हो सकता है। देखिए समाज में लोगों के मध्य स्थापित प्रत्येक संबंध सम्मिलित होता है, हर तरीके के संबंध मिलते हैं समाज के अंदर, ये संबंध क्षेत्रीय सीमाओं से परे होते हैं। यानी कि एक सीमा नहीं होगी बल्कि क्षेत्रों से बाहर तक भी समाज जा सकता है, बड़े स्तर पर समाज का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारतीय लोग संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं, वे स्वयं को भारतीय समाज का अंग अनुभव करते हैं, यहाँ पर सीमा रेखा खींचना उनके लिए अर्थहीन है। सिंपल सी बात, भारत के लोग हैं, भारत के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो क्या ये छोटा समाज है? बहुत बड़ा समाज है। वही तो बोलते हैं ना हम भारतीय समाज के लोग हैं, भारतीय समाज के लोग हैं। समुदाय छोटे लेवल पर होगा, समाज बड़े लेवल पर होगा। समाज की कोई भूमि निश्चित नहीं होगी, लेकिन समुदाय की एक निश्चित भूमि होगी। आगे बस उनमें ये चीज हमें याद रखना है। दूसरी बात, समुदाय साधारण निश्चित क्षेत्र से संबंधित होता है, समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लंदन में साउथ हॉल में निवास करने वाले भारतीय साउथ हॉल के भारतीय समुदाय कहे जा सकते सकेंगे। यानी कि जो एक लिमिटेड क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, समुदाय में रहने वाले लोग हैं, वो सिर्फ उसी समुदाय का कहलाएंगे, बल्कि पूरे संपूर्ण भारत का नहीं कहलाएंगे। संपूर्ण भारत समुदाय नहीं है, बल्कि एक समाज है, भारतीय समाज है, भारतीय समुदाय नहीं होगा। समुदाय तो इसमें बतेरे हैं, बहुत सारे हैं। आगे बात समझ, तो समाज में प्रॉपर्टी नहीं होगी निश्चित, और समुदाय के अंदर एक निश्चित प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, दूसरा, समाज में अपनेपन की भावना होती है, तथापि यह भावना समुदाय की अपेक्षा कम मुखरित होती है। लेकिन
समाज के अंदर अपनेपन की भावना होगी लेकिन समुदाय से ज्यादा नहीं होगी। ये चीज याद रखना, समुदाय की अपेक्षा कम मुखरित होती है क्योंकि समुदाय में ज्यादा होती है। हमारे समुदाय के लोग हैं, एक कबीले के लोग हैं, आर्यवसवन में। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, समुदाय में अपनेपन की भावना अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होती है। समुदाय में बहुत धांसू जो है अपनापन होता है, वे परस्पर एक दूसरे के निकट अनुभव करते हैं। यदि समुदाय के सदस्य एक रूप में उनकी कोई आलोचना की जाए तो उनमें अधिक तीव्र प्रतिक्रिया होती है। समाज के अंदर उतनी प्रतिक्रिया नहीं होती है क्योंकि समाज के अंदर अलग अलग लोग पाए जाते हैं, अलग अलग जाति धर्म नस्ल रंग रूप अलग अलग पाए जाते हैं। समाज के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं लेकिन समुदाय के अंदर नहीं होती। समुदाय के लोग एक दूसरे को अपने निकट मानते हैं। उस व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी उंगली उठते पूरे समुदाय के लोग इकट्ठा होकर उस चीज पर प्रतिक्रिया अपनाते हैं। ये है समुदाय। अभी बस समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद समाज एक मूर्त मानसिक संरचना है, अमूर्त मानसिक संरचना है। समाज दिखता नहीं है, समाज दिखता नहीं है, अमूर्त है। मूर्त होता तो दिखता, अमूर्त मतलब नहीं दिखता। समुदाय एक मूर्त अस्तित्व है, समुदाय दिखता है। ये कबीलाई लोग हैं, ये सामुदायिक लोग हैं, वो दिखता है लेकिन समाज नहीं दिखता है। अब उपरोक्त अंतर के होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि समाज तथा समुदाय के मध्य समानता और अंतर है। कहीं ना कहीं समानता भी देखने को मिलती है, लास्ट में लाइन जरूर लिखने की, कहीं ना कहीं समानता भी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं अंतर भी जो है इसमें देखने को मिलता है। पर वास्तविकता में वे दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आई थिंक सबको ये आंसर बहुत धांसू लगा होगा, समझ में आया होगा। अगली बार समझ में, ये चीज आप लोगों को, चलिए महाराज जी जाइए यहाँ से, ये चीज आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद रख लेनी है, हीरो हीरोइन बन जाओगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आठवें क्वेश्चन पे। देखिए, संस्था की परिभाषा दीजिए, संस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो संस्था क्या होती है, संस्था की परिभाषा क्या है, वो जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आंसर आप लोग को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरीके से। तो संस्था की परिभाषा दीजिए, ठीक है। देखिए, अब इसी के साथ मैं एक छोटी चीज बता दूं आप लोग को। अगर आप लोगों ने जो है मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाना, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि जो ब्लॉग्स हैं जो आने वाली, देखिए हिस्टोरिकल प्लेस में मैं जाऊंगा तो वहाँ ब्लॉग वगैरह तैयार करूंगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को जो है ऐसी नॉलेज इकट्ठी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, वो जो सेकंड चैनल है आप लोग देख सकते हैं, तो साइमन ब्लॉग के नाम से, साइमन ब्लॉग बाय अमरजीत सिंह के नाम से, तो आप लोग जाएं और उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो सेकंड चैनल है मेरा, उसको जरूर आप लोग प्यार दें। देखिए, इसमें क्या है, आप लोग को आंसर किस तरीके से देना है। तो संस्था क्या है, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए, सामान्यतः संस्था शब्द से हम संगठन का अर्थ समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य बोलचाल में चिकित्सालय और विद्यालय को संस्था कहते हैं। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, समुदाय समाज की बात नहीं हो रही है, संस्था की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला गया है जैसे विद्यालय चिकित्सालय हो गया, पर समाज शास्त्रीय संदर्भ में संस्था का अर्थ कार्यों को करने के ढंग से है। मानव समाज में कुछ सामान्य हित और कुछ विशेष हित होते हैं। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समुदाय भी कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, किसी खास चीज उद्देश्य के लिए बनाए गए चीजों को संस्था भी, देखिए जरा क्या बोला, समुदाय कहते हैं। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए, जैसे हमारी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समुदाय कहते हैं। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, समुदाय किसे कहते हैं। विशेष उद्देश्यों या हितों का कार्य रूप में परिणित करने के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियां, प्रणालियां आदि उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हें संस्थाएं कहा जाता है। जरा ध्यान सुनिएगा, किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने जो एक समुदाय, मतलब जो एक जमावड़ा इकट्ठा किया, उसको समुदाय बोला जाएगा क्योंकि आप एक समुदाय में रह रहे हैं। समाज बहुत बड़ा लेवल का है, उससे नीचे समुदाय आएगा। उसी समुदाय में रहते हुए आपको कुछ कार्य की आवश्यकता है, तो उस कार्य को शिक्षा, चिकित्सा, ये सब समुदाय के अंदर तो नहीं होगा। समुदाय में रहते हुए जब वो कार्य करना शुरू कर दिया जाए, उसके लिए कुछ बनाया जाए, विद्यालय बनाए जाए, चिकित्सालय बनाए जाए, तो वो संस्था कहलाएगी, इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए, उसके बाद क्या है, देखिए, उदाहरण के लिए, परिवार का उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है,
यही परिवार का हित या इंटरेस्ट है। परिवार एक सीमित है, याद रखिएगा, परिवार क्या है, एक सीमित है। अपने हित को पूरा करने के लिए परिवार के पास विवाह, याद रखिएगा, अपने हित को पूरा करने के लिए परिवार, यानी पुत्र चाहता है ना कोई भी परिवार, तो क्या करेगा, पुत्र या पुत्री चाहता होगा, संतान चाहता होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरा करने के लिए परिवार के पास विवाह, घरेलू रीतियां, उत्तराधिकार के नियम आदि अनेक साधन, कार्य प्रणालियों तथा पद्धतियों के रूप में है। इन सबको हम संस्था कहेंगे, इन सबको क्या कहेंगे, हम संस्था, इंस्टीट्यूशन कहेंगे। जब उन उस चीज को पूरा करने के लिए कहाँ होगा, आगे कैसे बढ़ेगा वो संतान, तो संस्था चाहिए उसके लिए, जो चिकित्सा या हॉस्पिटल्स बोल सकते हैं, या तो जैसे शिक्षा के लिए विद्यालय हो गए, इन सब की हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। आगे बस में ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद संस्था की परिभाषा, संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया है। उसके मतानुसार संस्था वह अंग है जिसके मापन से समाज के कार्यों को क्रियाविंत किया जाता है। समाज में रहते हुए आपने समुदाय की स्थापना करी, उसी समुदाय में रहते हुए जब आपको कार्य की आवश्यकता पड़ी तो आपने संस्थाओं का निर्माण किया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, उन्हीं सारी चीज़ों को संस्था कहा जाता है। अब इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना, इसमें तो आप कन्फ्यूज़न में आएंगे, तो जितना समझें आप बेटर समझें, बस बना बना के जो है लिखना शुरू कर दें एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो प्रस्तुत परिभाषा द्वारा स्पष्ट है कि किसी संस्था का गठन सामाजिक व्यक्तियों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, यानी संस्था की जो है निर्माण क्यों किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। कैसी आवश्यकताओं के लिए, सामाजिक व्यक्तियों को उनकी कुछ आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। आगे बात समझ में पंडित जी, ये देखिए आगे, उसके बाद संस्था के आवश्यक तत्व क्या होते हैं अथवा विशेषताएं, तो संस्था क्या है, संस्था की आवश्यक विशेषताएं क्या होंगी, देखिए, सांस्कृतिक इकाई, यानी प्रत्येक सामाजिक संस्था स्वयं में सांस्कृतिक इकाई का रूप है। हर संस्था कहीं ना कहीं अलग अलग संस्कृति लेकर बैठी हुई है, प्रत्येक संस्था पूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई होने के नाते उससे संबंध रखती है। हर कोई अलग अलग संस्था लेकर बैठा हुआ अलग अलग चीजों का जो है वहां पर निर्माण करता है, ठीक है, ये चीज़ है। विशिष्ट आवश्यकता के लिए जुड़े हुए हैं, इनकी ढांचा भी देख सकते हैं आप लोग, के अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्था का गठन किया जाता है, अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ नियम, कानून, प्रथाएं और परंपराएं एक व्यवस्था के रूप में होने आवश्यक है, और संस्था के सभी कार्य इन नियमों द्वारा होते हैं। जितने भी कार्य होंगे ना हमारे समाज में रहते हुए, वो इन संस्थाओं के माध्यम से, बच्चा पढ़ेगा तो विद्यालय में पढ़ेगा, बच्चे का इलाज होगा तो चिकित्सालय में होगा इलाज, ये चीज, और इन नियमों, और जैसे हम बोल सकते हैं कोई राजनीतिक चीज हो गई, इन सारी चीजों का निर्माण होगा, तो इन नियमों आदि की व्यवस्था को संस्था का ढांचा कहा जाता है। तो ये तीन जो है मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें आप लोगों को ये तीन चीजें जो है याद रख लेना, इसके लक्षण में ये चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत, ये चीज आप लोग याद रखें बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलिए आंसर मारा जाइए यहां से। उसके बाद आएगा हमारा 9th क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समाज रातों रात बन गया, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, क्या समाज रातों रात बन गया था, नहीं। देखिए कैसा है, क्या बताया गया इसमें, ध्यान सुनिएगा, देखिए जरा आंसर क्या बोल रखा है इसका, तो हम सभी अपने दैनिक जीवन में समाज शब्द का अर्थ व्यक्तियों के समूह से लगाते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा व्यक्तियों का समूह है तो हमारा समाज है ये, जैसे जैन समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज आदि, ये तो मैं बहुत पहले ही बताया था आपको। इसी प्रकार कभी कभी समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह से लगा लिया जाता है। समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में होता है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण में समाज का एक विशिष्ट अर्थ यह है कि व्यक्तियों का समूह समाज नहीं है, बल्कि मानवीय समूहों के मध्य पाई जाने वाली सामाजिक संबंधों की व्यवस्था ही समाज है। यानी जो समाज ये नहीं कि व्यक्तियों का समूह हो गया, ये चीज नहीं होगा। समाज का मतलब क्या है, जो लोगों का जमावड़ा तो है, लेकिन साथ साथ उनकी आवश्यकताओं के लिए, आपसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूर्ति के लिए ये लोग जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आगे बात समझ में, ये हमें याद रख लेना है, ये है हमारा समाज, कोई दिक्कत, ये चीज हमें याद रखनी है, तो ये हो गया, ठीक है। उसी के बाद जो यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता रखी है, मैकाइवर और पेज ने कहा है कि जो है इसमें समाज
सामाजिक संबंधों का जाल है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म लेता है और समाज में ही अपना जीवन यापन करना चाहता है। अंत में वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अन्य मनुष्यों के साथ रहना अति आवश्यक है। यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको दूसरे की भी आवश्यकता पूरी जो है करनी पड़ेगी और अपनी भी पूरी उसी के साथ होगी। आगे वसन में ये चीज आप लोग याद रखिए। चलिए आंसर मगर जाइए यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि संघ से क्या तात्पर्य है। एक चीज आप लोगों को बता दूं मैं, देखिए बहुत से बच्चे मेरे पे मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है, इतनी लंबी लंबी वीडियो क्यों बना रहे हैं आप। मैं सिंपल क्या बताऊं, मैं हजार बार बोल चुका हूं, जिन बच्चों को पढ़ना है वो ये टाइम नहीं देखेंगे। अब एक सिंपल सी बात है यार, ज्यादा टाइम लग रहा तो क्या हुआ, अच्छा पढ़ेंगे ना, थोड़े से टाइम में कैसे हो जाएगा सब कुछ। इतने देर से मैं टाइम पास तो नहीं कर रहा था, आप लोगों को साफ दिख रहा होगा कितना टाइम लगता है पढ़ाने में। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग खुद समझें, जो पढ़ने वाले हैं ना वो अच्छे समझेंगे। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत किया करें कि आप लोग इतने कम में पढ़ा दें, ये पढ़ा दें, ऊपर नहीं हो पाएगा भाई। जिसको पढ़ना है वो अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ेगा, वो पढ़ने वाले बच्चे सारी चीज़ समझते हैं। आगे बस मैं ऐसी तरीके से पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं पूरा करवाऊंगा आप लोग को। बस ये चीज़ याद रखिए, ये मत बोला करिए आप लोग कि हाँ इतने 10 मिनट में कंप्लीट कर दो, 12 मिनट में, 20 मिनट में, नहीं होगा ही नहीं, फिर कहाँ से करवा दूं मैं। ये चीज़ संघ से क्या तात्पर्य है, संघ की कुछ उदाहरण दीजिए। अब जरा संघ के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्या बता रखा है संघ के बारे में, यहाँ पे ध्यान से सुनिए के बारे में क्या बता रखा है। तो ध्यान से सुनिए, संघ की परिभाषा यह कहकर दी जा सकती है कि संघ उन लोगों का एक समूह है। ध्यान सुनिएगा, कान बिल्कुल फोन के स्पीकर पे चिपका के सुनो आप लोग, ध्यान सुनिए। संघ उन लोगों का एक समूह है जो एक साथ हो जाते हैं। संघ संगठन किसके लिए बनाए गए हैं, कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं, किसी खास चीज को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते जाते संगठन, वो जब उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो संगठन टूट भी जाते हैं। ठीक है, देखिए तो जो एक साथ हो जाते हैं और विशिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। जब तक कुछ वो काम पूरा नहीं होता तब तक एकजुट रहते हैं, जैसे हो जाता है वो टाटा बाय बाय। ये लक्ष्य दीर्घकालीन व विस्तृत होते हैं। कभी कभी ऐसे संगठनों के लक्ष्य सीमित संख्या में होते हैं, यानी कुछ समय के लिए ही बनाए जाते हैं। संघ के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे मोहल्ला सुधार समिति, उसके बाद है क्रिकेट क्लब। ये सिर्फ क्या है, एक थोड़े समय के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, स्वयंसेवी स्वैच्छिक संघ, म्यूजिक क्लब या ट्रेड यूनियन। तो ये जो संघ है ना, संघ किस लिए बनाए जाते हैं, चलिए आंसर वाला जाइए। संघ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी विशेष चीज को जो है पूरा किया जा सके। आगे बस उनमें ये चीज हमें याद रखना है और बढ़िया तरीके से समझ लेनी है। तो संघ संगठन क्यों बनाया गया है, किसी चीज को पूरा करने के लिए, किसी विशेष चीज को जो है प्राप्त करने के लिए जो है संगठन बनाए गए थे। आई होप सबको समझ में आ गया। और संगठन जो संघ जो होते हैं वो लंबे समय तक भी चल सकते हैं और जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसको तोड़ा भी जाता है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। मक्खी बहुत परेशान कर रही है, दिमाग खराब करके रख दिया, ठीक है। तो टाइम का आप लोग इशू बंद करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मुझे खुद सोचना पड़ जाता है यार मैं क्या करूँ, अब जल्दी जल्दी कंप्लीट कैसे करवा दूं, आप लोग खुद सोच सकते हैं, ठीक है ना। टाइम के लिए बार बार आप लोग ना बोले, मैं हजार बार बोल चुका हूं कि मैं पढ़ाऊंगा इसी तरीके से, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। अच्छे तरीके से समझाना है, अगर समझना है आप लोगों तो वीडियो आप लोग पूरी जरूर देखा करें, ठीक है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो जरूर देखें, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो जिनको थोड़ी थोड़ी वीडियो चाहिए तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कि सिंपल सी बात है, आप लोग को बढ़िया तरीके से पढ़ाना है, डिमांड भी अच्छा चाहिए, डिमांड में भी क्या होगा अच्छा चाहिए, लेकिन टाइम भी कम चाहिए, तो ऐसे कैसे हो पाएगा, सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो आप लोग खुद समझे, समझदार हैं 12th क्लास में। चलिए तो आप लोग को मैंने सारा चैप्टर ये करवाया है, उसके बाद डेली अब वीडियोस अपलोड पूरी कोशिश करूंगा, डेली वीडियो अपलोड करेंगे और बीच में लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे दूसरे सब्जेक्ट भी मैं आप लोग को पूरा करवा सकूं, इंग्लिश वगैरह का भी, ठीक है। अक्टूबर में जिसके बच्चों को एग्जाम है वो पूरी तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। हिस्ट्री पॉलिटिकल मैं पूरा करवा चुका हूं, सोशियोलॉजी भी करवा रहा हूं, साथ साथ पेंटिंग और इंग्लिश भी एक साथ खींच दूंगा। आगे बस समझ में, चलिए तो मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के अंदर। तो उसके लिए आप लोग बस सपोर्ट अपना बनाए रखें, सेवन क्लास को अपना प्यार दे भर के, और सेकंड चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सेवन ब्लॉग बाय अमरजीत सिंह, तो वो जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।